बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। देखते आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोलती तस्वीरें। हम अपने चैनल में उन नौजवान टैलेंटेड कलाकारों द्वारा बनाए गए तस्वीरों को दर्शाते हैं जो आज गुमनाम हैं, जॉबलेस हैं, परेशान हैं, पर नाकाम नहीं हैं। तो चलिए आज की तस्वीर का खैर मकदम करते हैं। आज की ये तस्वीर उन लोगों की दशा और दिशा को दर्शाती है जो चले तो थे पूरे जोश और साजो सामान के साथ मंजिल की तरफ, पर आधे सफर में ही भटक गए अपनी सही दिशा से। साथियों, ये तस्वीर इस बात को दर्शाती है, जूता कितना भी उम्दा और ब्रांडेड क्यों ना हो, अगर पांव कमजोर और कदम भटक जाए तो सब बेकार। जी हाँ, ये तस्वीर हमें बताती है जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। अच्छी या बुरी, ये हमें तय करना है कि हमें चुनना क्या है। हर व्यक्ति अपने चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, किंतु इस बात को कभी ना भूले, एक बार चुनाव हो जाने के बाद चुनाव आप पर हुकूमत करता है। नदी में हवा किसी भी दिशा में बहती हो, पर नाव उसी दिशा में चलने के लिए बाध्य होती है जिस दिशा में नाविक ने नाव पर पाल या सामियाना लगाया हो। इंसान हवा के बाहों का दिशा नहीं मोड़ सकता, लेकिन पाल लगाने का सही ढंग जरूर चुन सकता है। आखिर में यही कहना चाहूंगी, हमारी मंजिल, हमारा मकाम किस्मत से नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्य की तरफ उठाए गए कदमों से तय होता है। तो आप लोगों की इस तस्वीर के बारे में क्या राय है और मेरी ये पहल आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिए, फी अमान।